एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज हम करने वाले हैं एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद आप हर एक क्वेश्चन वर्क का आसानी से निकाल देंगे, वर्क आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखना पूरा एंड तक, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो कुछ चीज छूट सकती है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं वेब साक्षात, और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें हमने वर्क के बारे में तो बात कर लिया था, है ना, सारा वर्क पढ़ लिया था, वर्क क्या होता है, वर्क क्या नहीं होता, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी पढ़ लिए थे। बट आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो है द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यही है नॉर्मल सा डेफिनेशन। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की, किसके द्वारा? वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन का इधर काम लग रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो क्या होता है, K=1/2 mv². इसमें कोई खास बात है नहीं। बात आता है इसका डेरिवेशन कैसे, मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे। हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जनरली कोई वर्क है। कुल मिला के हमें ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा एक वर्क है। क्यों? क्योंकि वो कोई कैपेबिलिटी है वर्क को करने की। वर्क को करने की कैपेबिलिटी है, क्या? वर्क को करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, किसके द्वारा? वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसे हम प्रूव कैसे करते हैं। तो हमारा वर्क जनरली होता क्या है? ma, राइट, वर्क ma होता है हमारा, क्या mas होता है? mas होता है, ठीक है, जिसमें s हमारा डिस्प्लेसमेंट और m हमारा मास, a हमारा एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है ma? उसका यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी बात करना है a क्या होगा, ठीक है, मेन बात क्या है, a क्या होगा। तो आपको पता है a कितना होगा, या फिर मैं कह लूं थर्ड इक्वेशन बताइए, कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको पता है नॉर्मल इक्वेशन है, सब जानते हैं क्या होता है, v² - u² = 2as। हमने सपोज किया है यहाँ पर हमारा u जीरो है, तो कितना आया, v² = 2as, क्या आ गया हमारा, है ना। तो अभी इधर से a का वैल्यू निकाल लो, a कितना आएगा, v² / 2s, बस ये हमारा सेकंड कह लेते हैं, इसे कह लेते हैं हम फर्स्ट, और इसे इरेज कर, ठीक है। इतना हमारा क्लियर है क्या, कि वर्क इज इक्वल टू एम एस, मतलब फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, एंड आवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² / 2s, अभी इसे हम इसमें पुट, यहां पर लिखेंगे पुट 2 in 1, ठीक है, दो को एक में पुट करना, दो को एक में कैसे पुट करेंगे, वर्क इज इक्वल m into a कितना है v² / 2s एंड मल्टीप्लाइड बाय s, तो s से s मर गया, बचा क्या वर्क, क्या बचा, m v² / 2, मतलब इसे हम इधर ले लें तो ये कितना है हाफ। तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा ये क्या हो गया, डेराइव हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख दी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क को करने की कैपेबिलिटी, वर्क को करने की कैपेबिलिटी है किसमें, वर्च्यू ऑफ मोशन,
बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, किसके द्वारा, वर्च्यू ऑफ मोशन के द्वारा। तो अभी हम सीधे चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो जनरली हर कोई कर लेता है, इसके क्वेश्चन भी आसान से बनते हैं, एम की वैल्यू दे देगा, वी की पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी बता देगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, एम की वैल्यू दे देगा, और वी की वैल्यू पूछ लेगा, सॉरी वी की वैल्यू दे देगा, तो आपसे काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो चलो दोबारा से इधर ही आ जाते हैं, वर्क एनर्जी एनर्जी एंड थ्योरम, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, ये किस किस के बीच में रिलेशन देता है। तो इससे आप समझ गए, हमें वर्क आ गया, एनर्जी आ गया, एनर्जी कौन सा पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ा, तो यहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी यूज होगा, के और वर्क यूज होगा, ठीक है। तो नोट द पॉइंट, इसका जो हमारा निकल के आएगा निष्कर्ष के वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वो आपको नोट करना है, क्या कि W इज इक्वल डेल्टा के, ठीक है, W इज इक्वल डेल्टा के। तो वहां पर जो अभी हमने डेरिवेशन किया था, याद करो तब आया था W इज इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर, तो W की जगह डेल्टा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर हमें पता है कि चलो उसे दोबारा से करके ही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या था, W इज इक्वल हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, है ना, तो W की जगह डेल्टा के रखो, डेल्टा के इज इक्वल हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। अच्छा डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हमारा V बराबर जीरो है, मतलब उसका जो स्पीड है वो जीरो है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा ये निकल के आ जाएगा। और बड़ा ऐसे कर लो पेंस प्रूफ, तो जनरल ये पूछा जा सकता है डेरिवेशन से, फिजिक्स में डेरिवेशन भी आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या था, तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, हमें करना कुछ नहीं था, बस वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, W इज इक्वल डेल्टा के, ये हमारा वर्क एनर्जी, क्या W इज इक्वल डेल्टा के, डेल्टा के कितना हो गया, के एफ फाइनल के माइनस के इनिशियल, बस इतना सा। अभी इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण ये इतना फेमस है, छोटी सी तो बात है। अच्छा तो इसके जो रीजन है वो ये है कि जब भी हमसे वर्क पूछता है और फोर्स नहीं देता आपको, डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इस फॉर्मूले को। तो अभी चलो निकालते हैं ऐसे कुछ वर्क, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, टी इज इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ठीक है, टी इज इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। और कुछ ले सकते हैं क्या, और कुछ, हाँ चलो मास ले लेते हैं, मास 5 kg, ठीक है, 5 kg। फाइंड क्या करना है, इधर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, चलो x की वैल्यू निकाल लो, t माइनस 3 इज इक्वल अंडर रूट x, रूट को हटाओगे तो स्क्वायर लगाओगे, नो टेंशन, x इज इक्वल t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशन दिया हुआ, आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि अगर कुछ कंडीशन दे रहा है ना तो डिफरेंशिएशन की तरफ जाओ, यहां पर कंडीशन दिया हुआ है t इज इक्वल अंडर रूट x प्लस 3, कंडीशन है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में हमें किसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओगे, x दे रखा है, t दे रखा है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल डी एक्स बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज, तो हमें इंस्टेंटेनियस ही पता करना है भाई, और कुछ तो पता करना नहीं, फाइंड क्या करना है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो अभी क्या, v इज इक्वल डी एक्स कितना है, डी एक्स एक्स ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर dt, अभी इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, t माइनस 3, 2 से
टू में से वन जाएगा तो कितना आया, v इज इक्वल टू टी माइनस थ्री। ये हमारा आ गया वेलोसिटी, ये हमारा आ गया वेलोसिटी। अभी हमारे पास मान लो कि टाइम कुछ दे रखा है तो कहानी चेंज। तो अभी हम टाइम भी कुछ ले लेते हैं तभी तो मजा आएगा, तभी तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। चलो तो कुछ टाइम और ले, समय बहुत बलवान है। यहाँ पर समय आया मान लो पहले के लिए 5 से ऐसे देता है जनरली, तो क्वेश्चन में 5 से लेकर के 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है 5 से लेकर 10 सेकंड। तो अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया बढ़िया, 5 यानी कि यू इज इक्वल u इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो u कितना आया 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फाइनल कितना आया, फाइनल 2 × 10 − 3। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल, फाइनल को तो v से ही रिप्रेजेंट करते हैं बाबा, तो ये कितना आया 7, 8, 10 में से 3 गए 7 बचे 7, वेलोसिटी इज इक्वल 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है इतना हो गया हमारा क्वेश्चन, आधे से ज्यादा सॉल्व हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम निकालेंगे सीधा ही निकालते हैं, टेढ़ा तो कभी निकालते नहीं। अभी हम सीधा चलेंगे फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल डेल्टा में के, डेल्टा में के कितना है KF माइनस KI, ऊपर लिखते हैं W इज इक्वल KF कितना हुआ हाफ, M कितना है 5 और V कितना है 14 माइनस हाफ 5 ये U 4 2 से 2 टाइम्स 2 से 7 टाइम्स कितना आया, वर्क डन इज इक्वल 7×5 = 35 यानी 35 माइनस 5 × 10 वर्क डन इज इक्वल 25 joule। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा हमें कोई फोर्स नहीं दिया, कुछ नहीं बताया कि इतना दूर गया वो। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन लेंगे बड़ा बढ़िया सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एक और क्वेश्चन है, मार्कर चेंज करें, मजा नहीं आया तब से रेड मार्कर नहीं आया, चलो तो रेड मार्कर ले। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं, क्वेश्चन है मेरे पास एक बॉल है, ठीक है बॉल सीधा है ग्राउंड पर ही तो चलेगा यार, तो मान लो इस पर कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा तभी तो ये चल रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो ये गया इंक्लाइंड नहीं है, आपको लग रहा होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट प्लेन। अच्छा और जा करके कुछ इस स्टैंड पर ये रुक गया, हमें कुछ नहीं बताया इसने डिस्टेंस क्या है ना हमें फोर्स के बारे में कुछ जाना। अच्छा हमें क्या बता दिया, हमें बस इतना सा बता दिया इसने कि एक्सीलरेशन, चलो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। तो वेलोसिटी इसकी लास्ट इंस्टेंट या फिर मैं कह लूँ शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। मजा आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ज़्यादा ले ली। अरे यार पिछले सवाल में स्पेयर तो लगाया नहीं, चलो उसे और थोड़ा सा एक और बात रीबैक में चलते हैं हाफ एम कितना आया था 5 और यू कितना वी कितना आया था 14 × 14। अच्छा यहाँ माइनस में हाफ 5 × यू कितना आया था, यू आया था 4 × 4 2 से 2 टाइम्स गया 7×35 × 14 − 5 × 10 = 40 कितना होता है 5 × 4 = 20 ओके कितना आया 490 में से 40 माइनस तो 450 joule आ गए, 450 जूल आ गया। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर से लौटेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा दूसरा वाला, वेलोसिटी हमें देना था उसका, वेलोसिटी देना, तो वेलोसिटी कितना लें, सवाल उठता है वेलोसिटी कितना लें,
अरे यार ये जा रहा था, अब की बार इंक्लाइंड नहीं बनाया, अब की बार इंक्लाइंड नहीं बनाया। तो ये था हमारा बॉल, यहाँ पर रुका, वेलोसिटी मान लो उसका 20 दे दिया था, पहले भी 20 ही दे लिया था, तो अभी इसमें और क्या दे सकते हैं, मास दे लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व। मास देते हैं इसका 10 किलोग्राम या फिर 1 किलोग्राम, चलो 1 किलोग्राम। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो उससे, हो गया 1 2 3 4 5, चलो करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, जो हमारा वर्क डन आएगा, वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन जो आएगा वो डेल्टा के, तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल फाइनल इनिशियल। अच्छा यहाँ पर देखो फाइनल पोजीशन क्या है, ये है फाइनल पोजीशन, ये है क्या, आपको यहाँ पर कोई वेलोसिटी दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, ठीक है यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं दिख, तो हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल माइनस के आई, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी, तो माइनस के आई लगा देंगे, माइनस के आई लगाओगे तो आपको पता चलेगा माइनस हाफ एम, एम कितना है 1, v स्क्वायर 20 का गेम चल रहा है 10, w कितना है -200 जूल, आई थिंक ये तो मैं विजिबल होगा, होना भी चाहिए, ठीक है w कितना आ गया -200 जूल, इतने में कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा गया। अच्छा अभी इसे और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करें, मान लो इधर हमने कोई फोर्स दे दिया, 10 न्यूटन, सवाल और गंभीर कर दिया, 10 न्यूटन का फोर्स है और क्या है, और हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारा पार्ट वन था, ये हमारा पार्ट टू है, तो हमने पार्ट वन फाइंड कर लिया, वर्क डन कितना है -200 जूल, अब हम पार्ट टू फाइंड कर, तो पार्ट टू के लिए रेडी हो जाओ। पार्ट टू क्या कहता है, वर्क डन इज इक्वल एफ डॉट एस, तो अप्लाइड फोर्स कितना दोस्तों, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इधर ही है, ठीक है ये मत सोच लेना कि ऊपर से लग रहा है तो इसका कंपोनेंट डालें, नहीं 10 न्यूटन इधर ही जा रहा है, सीधा सीधा निकालना उसका, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ये कितना है, -200 / 10 इज इक्वल एफ, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो मरा, कितना है डिस्प्लेसमेंट, -k 20 meter। अब इधर -k 20 meter क्यों आया, इसका रीजन बता, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, प्लस उसके लिए आगे बढ़ने वाला कोई डिस्टेंस होगा, माइनस उसके लिए पीछे वाला डिस्टेंस है, मतलब हम कह सकते हैं हमने जो बॉल फेंका था ना, जो बॉल फेंका था वो 20 मीटर तक जाने के बाद रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अभी हमारा ये दूसरा सवाल आसानी से सॉल्व हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे आसानी से आप सॉल्व कर लोगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद। एक और सवाल लेते हैं हम लोग, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, इस सवाल में कुछ स्पेशल डालते हैं, वर्क डन ही निकालेंगे, इस सवाल में हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा के निकालेंगे, कब, जब हमारा फोर्स 20 न्यूटन है रे बाबा, और हमारा टी सोचना पड़ता है यार सवाल बनाने से पहले, वी चलो छोड़ो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, चलो कर ही देते हैं, वी इज इक्वल 2t - 1, वी इज इक्वल 2t - 1, तो अब सवाल बनता है आपको फाइंड करना है
क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जनरल सा सवाल और फंसाने वाला सवाल, बहुत फंसाने वाला सवाल। और अभी हम टी की वैल्यू दे दें क्या? कुछ टी की वैल्यू चलो एक ही देते हैं, जीरो से लेकर के फाइव से। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। चलो पहले इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एस इज इक्वल, अरे यार इंटीग्रेशन क्यों लगाना है, सीधा सीधा कह लेते हैं डी वी टी छोटा सा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अभी हमारा डी वी कितना है, टू टी माइनस वन फ्रॉम जीरो टू फाइव। चलो इसे छोड़ो, जीरो टू फाइव बाद में लगाएंगे, बाद में। अच्छा डी वी को इंटीग्रेट करना है, सीधा सीधा डी वी को इंटीग्रेट मार दो। इंटीग्रेट क्या मारोगे, टू टी माइनस वन। और क्या कर सकते हैं टू टी माइनस वन के साथ, अभी तो कुछ नहीं किया है, करेंगे क्या, टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर लगा लेते हैं। चलो सवाल चेंज हो गया है, टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर लगाया है, तो यहाँ पर टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री, तो डिस्प्लेसमेंट आया आपका टू टी माइनस वन होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। अच्छा यही होगा कि टी का वैल्यू पहले रख के देख लो, जीरो के लिए तो जीरो आएगा, आपको पता है जीरो तो हम रखें या ना रखें बातें की, तो हम रखेंगे फाइव, फाइनल के लिए निकाल लेना, तो फाइव रखते हैं। तो हमें जनरली डेल्टा के नहीं, हमें के फाइनल ही पता चलेगा। ठीक है, तो इधर फाइव डालेंगे, फाइव टू जो टेन माइनस वन का होल क्यूब डिवाइड बाय थ्री। नाइन का होल क्यूब कितना होता है, सीधा सीधा नाइन इंटू नाइन लिख दो, डिवाइडेड बाय थ्री कर दो, थ्री से टू टाइम गया, एट्टी वन इंटू टू कितना हो गया, टू, एट टू जो सिक्सटीन, कितना आया 162 मीटर लगता है विजिबल, गया मारकर बोल गया, दूसरा मारकर ले लो, इसीलिए दो तीन रखता हूँ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 162 मीटर। क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट आया 162 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मस्ती से मजे मारेंगे और सवाल सॉल्व होता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमने तो वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं किया। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, W इज इक्वल डेल्टा के, W कितना होगा, I say to you what is W? F into S, F कितना, 20 into 162। अच्छा डेल्टा के कितना होगा, KF माइनस KR। जब उसका टाइम कुछ भी नहीं है, क्या जब उसका टाइम कुछ भी नहीं है तो उसका क्या नहीं होगा, कुछ भी वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी नहीं होगा मतलब उसका कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, उसका कुछ भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो अभी हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पहले इधर ही कर लेते हैं, बाद में इनिशियल काइनेटिक पे जाएंगे। 2 2 4 6 2 12 and 2 1 2 3। ओके, तो ये कितना आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल हमारा जीरो, तो ये कुछ बड़ा सा आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल 3240 जूल। वीडियो बंद कर दो, नींद आ रही है सर। चलो तो बंद करते हैं अभी यहीं पर, तो खत्म हो गया हमारा ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट। इस वीडियो के बाद आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे वर्क, चाहे उसमें फोर्स दिया हो या नहीं दिया हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हो या नहीं दिया हो। इसके पहले भी वीडियो आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लो, और इसके बाद जो वीडियो आया वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।